आबकारी कार्रवाई, दो प्रकरण दर्ज कर तीन आरोपियों के साथ दो वाहन किए जब्त। कलेक्टर अक्षय कुमार के सिंह के निर्देशानुसार जिला आबकारी के नेतृत्व में अवैध मदिरा अधिकारी वीरेंद्र सिंह धाकड़ विक्रय, परिवहन, संग्रहण और जहरीली शराब के विरुद्ध जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में जहरीली शराब से हुई जनहानि के मद्देनजर कल व्रत प्रभारी तीर्थराज भारद्वाज, आबकारी उप निरीक्षक के द्वारा शिवपुरी में यहां पर ग्राम डेहरवारा के पास एक ऑटो में 10 पेटी प्लेन ओपी से बनी मदरा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी की निशानदेही पर धुबानी से 1.5 लीटर ओपी, 800 पाव खाली और साथ ही 1200 लेवल ओसिस कंपनी के नकली बरामद किए गए। कुल मिलाकर इनकी कीमत करीबन 3 लाख रुपए हैं। आपको बता दें कि एक अन्य प्रकरण परोरा के पुल के पास से इंडिका कार जिसमें 30 पेटी प्लेन मदरा वाहन और मदरा की कुल कीमत लगभग 4,12,500 रुपए का सामान जब्त किया गया। कार्यवाही में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के दो प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। कार्यवाही में व्रत प्रभारी तीर्थराज भारद्वाज, राहुल गुप्ता, नीरज त्रिवेदी, आबकारी उप निरीक्षक और आबकारी मुख्य आरक्षक, आरक्षकों और नगर सैनिकों का सराहनीय योगदान रहा। दोनों प्रकरणों में जब्ती की कुल कीमत लगभग 7,12,500 रुपए आकी गई है। इसमें कल हमको सूचना मिली थी, उसके बाद दो प्रकरण दर्ज हुए हैं। इसमें एक ऑटो पे 10 पेटी प्लेन हमको सबसे पहले जब्त हुई थी और जो आदमी जब जिसके माध्यम से जब्त हुई थी उससे जब पूछताछ की गई और उसको लेके गए तो एक फार्म है, पास में गांव है इधर कोटा हाईवे पर, वहां से हमको फिर ओपी जब्त हुई है कुछ और नकली मतलब लेवल, इसके अलावा खाली बारदाना ये बोतल पाव वगैरह आते हैं वो सब जब्त हुआ है। दूसरा एक और केस है, हाँ इस पहले केस में हमको दो आरोपी गिरफ्तार किए हैं जिसमें दोनों को आज मतलब न्यायालय में पेश भी किया गया और